मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, अरे रुकना यार, मुझे तो तुम रोक लोगी लेकिन रणबीर को उसे कैसे रोकोगी जो प्राची के प्यार की तरफ खिंचता चला जा रहा है। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं। वरना क्या, अभी तो तुम मेरी बात इग्नोर कर रही हो लेकिन कल बहुत देर हो जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा मैडम कि वो प्राची के प्यार में खो गया है। सुनना पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुम्हें नहीं पता ना वैसे ही रणबीर को भी नहीं पता कि वो प्राची से प्यार करने लगा है। आई कैन फील दैट। लेकिन किसी न किसी को ये बात उठानी पड़ेगी और उससे पहले तुम्हें ये बात सुननी होगी, समझनी होगी, समझी? कितनी शट अप करोगे? Shut up. मैं रिया मेहरा। No one can cheat me. अरे मैं वो ये मैं, इस खुमार से उतरो। तुम सिर्फ अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकती हो, किसी और की नहीं। पर मैडम यहां बात लाइफ की नहीं, यहां बात दिल की है। लोगों का अपने दिल पे तो कंट्रोल रहता नहीं है, दूसरों के दिल को कंट्रोल करने चलियो, कमाल है। मान लिया मैंने तुम रणबीर से प्यार करती हो, मान लिया। लेकिन मैडम तुम्हें यह भी मानना होगा कि रणबीर तुमसे प्यार नहीं करता। रणबीर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। He loves me. मुझसे और मुझसे प्यार करता है, समझ में आई बात तुम्हारी? He hates Prachi. वो Prachi से नफरत करता है. Because that Prachi is so annoying. She's irritating. रणबीर से वो उसे बर्दाश्त करता है और जो तुमने देखा वो उसका नाटक था, पता है क्यों? क्योंकि मैंने रणबीर से कहा था कि Prachi का दिल जोड़ो और बाद में उसे तोड़ दो, और वो मेरी बात मानने को तैयार भी हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें तो आइंदा से मेरे से दोबारा ये बोलना मत। समझ में आई तुम्हें बात? So leave. तुम मुझे धक्का दे रही हो, दो धक्का और धक्का दो मुझे, दो और धक्का दो मुझे। मुझसे सबूत मांग रही हो? हाँ तो मैं दूंगा तुम्हें सबूत, तुम्हें प्रूफ करूंगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ Prachi से प्यार करता है। ये जो तुम मुझे धक्का दे रही हो ना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। मैडम इस बात को जान लो कि ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं, तुम्हारा डर है। इस बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए मुझे बोलने से रोक रही हो। Just leave. यही सच है। Just leave. Just shut up. यही सच है। Ranveer doesn't love Prachi. He only loves me. Go! हो गया, बस हो गया, मुंह बंद रखो अपना। हंसता रहता हूं तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें I'm not afraid to die.
अरे क्या प्यार करता है वो तुमसे? इंसान सिर्फ उसी से प्यार करता है जिसके लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान खतरे में डाल दी। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? क्या सबूत चाहिए? मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही प्राची से प्यार करता हूं। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही प्राची से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई है कि रणबीर मुझसे भी ज्यादा प्राची को प्यार करता है। ये बात मैं समझ चुका हूं, और अगर तुम इस बात को नहीं समझते तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो। कुछ करो। देखो रिया मेहरा, कुछ करो, अपने रणबीर को मेरी प्राची से दूर करो। कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? व्हाट? नो 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 नो, तुम ऐसे करो, तुम दरवाजे पर चल जाओ। बहादुर दादा, नीचे इंस्पेक्टर साहब आए हुए। कोई खतरनाक मुजरिम इस इलाके की तरफ आ गया, इसलिए वो सारे घर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहीं कहीं छुपा हुआ है। अच्छा, कहाँ पुलिस वाले? इंस्पेक्टर साहब, ये आपका रूम है? जी, ये मेरा रूम है। देखिए, हम उस आदमी को तलाश कर रहे हैं जो प्राची से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। व्हाट? बाय द वे, आज पूरा दिन अपने रूम में थी? हाँ, मैं तो पूरे दिन अपने कमरे में ही थी। किसी को देखा यहाँ पर? नहीं, मैंने किसी अननोन को अपने कमरे में नहीं देखा। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए क्या हम इस रूम को चेक कर सकते हैं? हाँ, व्हाई नॉट, प्लीज। मेरा कमरा चेक कर लिए सिर्फ यही बात? कोई बात नहीं, बात से ज्यादा मैडम चेक। सर, एक एक विंडो इधर भी है। आपने पूरा कमरा तो चेक कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में कोई चोर होगा, है ना? फिलहाल आज के लिए इस विंडो को बंद रखिएगा, क्योंकि बहुत शातिर मुजरिम है ये। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। चलो सभी लोग। रणबीर मुझसे भी ज्यादा प्राची को प्यार करता है। रणबीर से तो बात कर ही लूंगी, पर पहले मुझे उस प्राची से मिलना है। ठीक है, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे मुझे प्राची से? मुझे कमरे में बंद किया था ना, अब देख देख। बात तो ये है कि प्राची तेरे को मिलना नहीं चाहती। ये जो प्रज्ञा बोल के गई ना कि प्राची को डिस्टर्ब नहीं करना, वो तो ऐसे भूल गई है। बात कुछ और है। फिर क्या बात है? प्राची ना तुझसे बहुत नाराज है, इसीलिए मिलना नहीं चाहती है। पर क्यों? तूने मेरे को कमरे में बंद किया था ना, इसलिए। सर तांटी, आपको सिर्फ बताना चाहिए था ना कि मैं मासी की बात फॉलो कर रही हूँ, और आपकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैंने आपको बंद किया था। आप ना दो बहनों में झगड़ा करवा रही, मैं बता रही हूँ। झगड़ा? मैं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? ये क्यों? वो बहुत प्यार करती है मुझसे। मुझसे बहुत प्यार करती है? सर आंटी, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। एक तरफ झगड़ा करवा रहे हो और एक तरफ आप मुझे चिढ़ा रहे हो। मैं प्राची को सब बताऊंगी, देखना। क्या बोलेगी तू? मैं उसे ये बोलूंगी कि आप खिड़की से कैसे कूद के गई। आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आपके पैर में चोट लग सकती थी, आपके पैर टूट भी सकते थे। मैं प्राची को सब बताऊंगी, देखना, आपकी डांट लगवाऊंगी मैं। तुझे क्या लगता है मैं डरती हूँ किसी से? डर तो आपको अभी से ही लग रहा है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। मिस्टर मेहरा तो चले गए, मैंने आवाज भी दी, उन्हें मुड़ के भी नहीं देखा, शायद आवाज सुनी नहीं होगी। अरे तो फोन कर लेना, नजदीक होंगे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं, लगता है कोई जरूरी काम होगा ना, इसलिए इतनी जल्दी चले गए।
तुम क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं हुआ मासी, प्राची मुझसे बात नहीं कर रही है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलना चाहेगी? मैंने इसलिए बोला कि उसे डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि वो रणबीर की पट्टी कर रही थी ना, इसलिए। क्या आज दूध वाला क्यों नहीं आया अभी तक? क्या हुआ? रुको रुको एक मिनट। पता नहीं अचानक कैसे अचानक नहीं, वो जो तेरे अंदर की खुशी है ना, वो खांसी बन के बाहर आ रही है। तुम जानबूझ के कर रही हो ये सब। ये रणबीर चिल्लाया क्या? वो लड़ तो नहीं रहे? देखे जानबूझ के क्यों कर रही? कितने झूठे हो, इम्पॉसिबल हो तुम। इम्पॉसिबल तुम हो तुम। मैं एक बारी को ना एंटीसेप्टिक बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बोला तुमने? मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या ये पागल हो गया? मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन के साथ था एक घंटे से, तो मैं पागल हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ आपको पता है इसने मुझे क्या बोला? क्या बोला मैंने? बताओ आंटी क्या बोला मैंने? जो आदमी ना बीच में बोली थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोलो ना। इसकी ये मुझे ब्लेम कर रहा है, कह रहा है कि मैं इसे पेन दे रही हूं। तुमसे तो बात करना पेनफुल है। आपको पता है इसने मुझे कैसे कैसे नामों से बोला है? इसने मुझे बबुआ बोला। बबुआ? ये बबुआ मतलब छोटा बच्चा, और बबुआ तो इसने मुझे दब्बू बोला उसके बाद। दब्बू? ये दब्बू मतलब डरपोक। इनफैक्ट इसने बोला कि मर्द ही नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मर्द मैं हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन शी सेइंग दैट आई एम नॉट मैन इनफ। क्योंकि तुम सीधी बात ही नहीं करती हो मुझसे। मैं अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है, अच्छे लड़कों की तरह सबसे मुश्किल काम कर रहा हूँ दुनिया का, चोट पे एंटीसेप्टिक लगवा रहा था, सबसे मुश्किल, लेकिन इसको हजम नहीं हुआ, इसने फायदा उठाया। इसको पता है ये ना मुझ मेरा मजाक उड़ा रही, मुझे बोलती बच्चा हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं, कोई करता है ऐसे? हां मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। तुम्हें तो पता ही है नशाना, मैं इसका मजाक उड़ाता रहता हूं, और ये मौके ढूंढती है इसको। आज वो मौका मिल गया, इसने जाके मुझे एडमिट कर लिया ना तुमने कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अरे तो सिचुएशन होती है अपनी अपनी यार, मजाक उड़ाने की भी नॉर्मल सिचुएशन पे। अब तुम गुंडों में फंसी हुई थी, हां तो मैंने क्या किया? मैंने बचाया उसे, मैंने मजाक उड़ाया, मैं वहां पे बचा रहा था, ताली नहीं मार रहा था। वाह क्या बात है, पकड़ो इसे। मां इसे बोलो ना मुझे चिढ़ाना है। इसको तो ढंग से बैंडेज तक बांधनी नहीं आती, ये देखो ऐसी गंदी सी बैंडेज बांधी है। बंद तो चुके हो, बस गांठ लगानी बाकी। एग्जैक्टली, इसको तो गांठ बांधनी भी नहीं आती, इससे तो बात करा लो बड़ी बड़ी। गांठ बांधनी नहीं आती तुम्हें? क्यों ना, मुझे क्या क्या बोल रहा है? अब मुझे क्यों डॉक्टर, कब से बकबक कर रही है, कुछ नहीं कह रही। क्यों कहेगी मुझे गलत? क्यों कहेगी? मेरी गलती थोड़ी है, क्योंकि वो समझदार है, उनमें दिमाग है। इनफैक्ट उनमें क्या, मुझे तो लगा तुम्हारे घर में सबके पास दिमाग है, तुम्हें छोड़ के। इनफैक्ट सरिता आंटी, मुझे नहीं, उनसे बात नहीं करनी। शाना तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है ये बिल्कुल पागल है? हां एकदम बापत की गुड़िया, कॉन्जन की गुड़िया। बार-बार मुझे कॉन्जन की गुड़िया क्यों बुलाते हो? तुम्हारी ने पिक्चर नहीं देखी है यार? कॉन्जन की गुड़िया वो गुड़िया है जो सबको डराती रहती है, जैसे मेरे को डराती है। बताओ है ना ऐसी ना ना शाना शाना बस आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए बहुत हो गया, आज रख बस प्राची, बस रख दे मैगजीन। इसको बोलो अपनी आंखें ऐसे घुमाए ना करे, एक दिन भेंगी हो जाएगी। इसने मुझे भेंगी बोला, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। आप मेरे अपने नहीं हो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, नोबडी लव मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। बाय बोल रहा था प्राची, मैं हूं ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, रुक मैं आ रही हूं। यही होता है, यही होता है, यू डिजर्व दिस प्राची। मैं चलता हूं आंटी, थैंक यू सो मच आपके सब चीज के लिए। पैरी बोल, पैरी बोल, पैरी बोल, बाय बाय बाय। क्या है ये, क्या था? रुट गई तेरी बेटी तो, रुट गई, अब क्या करेगी? कहाँ रह गया रणबीर? मैं कब से वेट कर रही हूँ, कब से कॉल्स कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। सबसे पहले तो इस प्राची को छोड़ने की क्या जरूरत थी? Just makes me so angry. इधर। अरे 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 क्या क्या हुआ? फोन कहाँ तुम्हारा? मेरी जेब में क्यों? What happened? देखो, I mean देखो. Oh shit. I'm so sorry. मैंने मिस कॉल्स नहीं देखी, मैं बहुत बिजी था। मतलब इतने बिजी थे कि तुमने मेरी मिस कॉल्स नहीं देखी? Listen, Ranveer, I was so worried about you. मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम उस प्राची को छोड़ने गए हो कहीं, वो गुंडे फिर से आके तुम्हारे पीछे तो नहीं लगे? No, I was worried. आओ 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 आओ। तुम्हें उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी?
तुम मुझे ड्रॉप करने आ सकते थे, राइट? Yeah, you're right. वो एक्चुअली हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था. You should have come and drop me. You don't want to listen to me. I don't want to listen to you because एक तो तुमने अपनी जान खतरे में डाली, फिर तुम उसे ड्रॉप भी करने गए. रिया, क्या प्रॉब्लम हो गई? उनके पास गाड़ी नहीं थी यार, मेरे पास गाड़ी थी, सिंपल. तो कर दिया ड्रॉप. तो उसको गाड़ी गिफ्ट कर दो ना, फिर तुम्हें उसको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा. बट एक मिनट, अगर तुमने उसे गाड़ी गिफ्ट कर दी तो तुम कहोगे अरे रिया उसके पास ना ड्राइवर नहीं है, और फिर तुम उसके ड्राइवर बन जाओगे. ड्रॉप पिकअप सब तुम करोगे, राइट? तुमसे मैं प्लीज थोड़ी देर में बात करूंगा, तो मेरी हालत देख रहे हो यार. टॉक टू मी नाउ, मुझे अभी बात करनी है. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? मेरी बात हो गई है तुमसे. तुमने क्या बोला, ड्राइवर चाहिए ना? मैं उसको लाके ड्राइवर भी दे दूंगा, उसको गाड़ी भी दे दूंगा. रियली? ठीक. रणबीर, जस्ट कम हियर एंड डोंट मूव. क्या जरूरत है गुंडों से लड़ने की? Why did you put yourself in danger? यार, it's... No. किसको show off कर रहे थे? प्राची को show off कर रहे थे? Show off ही कर रहे थे, और you have developed some feelings for her. मुझे तो ऐसे... No. You know what? That is how it looks like. रिया, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, ना मेरे पास एनर्जी है तुमसे इस बात पे झगड़ने की. प्लीज आई वांट टू चेंज ऋषि के कपड़े. आई डोंट केयर अबाउट ऋषि के कपड़े. तुम्हें गुंडों से लड़ने की क्या जरूरत है? टेल मी दैट एंड देन मूव. आई विल टेल यू आराम से, बट नॉट राइट नाउ यार. Don't ignore me. I'm not ignoring you, Riya. You are ignoring me. Prachi को ना मेरे हाथ की खीर पसंद है. अरे बच्चों को तो अपने माँ के हाथ का ही स्वाद अच्छा लगता है. लेकिन प्राची ने तो खीर मांगी नहीं. फिर क्यों? अरे मैं अपनी तरफ से खीर लेकर जा रही हूँ. मीठा लेकर जाऊंगी, मीठी मीठी बातें करूंगी, तभी तो बातों बातों में वो मुझे अपने दिल की बात बताएगी. मतलब उसके पेट के जरिए तू उसके दिल तक पहुंचना चाहती है, उसके दिल की बात जानना चाहती है, नहीं? हाँ. लेकिन फीलिंग्स कौन से स्टेज पे? शुरुआत वाली, बीच वाली, या आगे तक पहुंच चुकी है? बस, 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 बस. क्या बोले जा रही है तू? फीलिंग्स है कि नहीं है, आगे वाली है, पीछे वाली है, सच्ची वाली है? तो सीधा सीधा बोल ना कि तू उसके मन का हाल जानना चाहती है. हाँ वही ना. मतलब तूने अपना मन पक्का बना लिया है कि तू जान के रहेगी? अरे पता तो मुझे है, मैं चाहती हूँ कि प्राची अपने मुंह से मुझे बताए. अरे मेरी तरह उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके दिल में क्या है. बस कर, बस कर मेरी माँ, बस कर. मेरा तो दिमाग ही चकरा दिया तूने. अरे तू सीधे जाके पूछ ना कि तुझे पता है, प्राची को पता है. लेकिन प्राची के बारे में तुझे थोड़ा शक है, रणबीर का कंफर्म है, यही ना? तो पूछ जाके सीधा. अरे इसीलिए तो पहले प्राची से पूछ रही हूँ. प्राची का कंफर्म हो जाएगा उसके बाद सोचूंगी कि रणबीर से क्या पूछना है, कैसे पूछना है. पर मैं चाहती हूँ पहले प्राची मुझे बताए, क्योंकि प्राची से मैं बात कर सकती हूँ ना. पहली बार बात कर रही हूँ, लेकिन कर लूंगी मैं. अब सारी बातें इधर ही करेगी कि उधर भी जाके कुछ बोलेगी? आप समझ नहीं रहे हो ना, पहली बार ऐसी कोई बात कर रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है. प्राची तेरी अपनी बच्ची है, कंफर्म. तो अपनी बच्ची से कैसा घबराना, जा जाके पूछ. चम्मच ले ले, चम्मच. ये तू चल चम्मच ले के आती. अच्छे से सजा के देती हूँ ना. अच्छा जा जा. रणबीर, यू कांट इग्नोर मी. तो प्लीज तुम मुझे जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते, तो टेल मी नाउ. मैं तुम्हें जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ रिया. मैं बहुत थका हूँ, और ट्रस्ट मी, बहुत लंबा दिन था मेरा. आई एम रियली स्लीपी, मुझे बहुत नींद आई है. तो मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ. रियली? मतलब मैं तुम्हारी वजह से अपनी नींद खराब कर रही हूँ, तुम्हें सोना है? लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू रणबीर? हाउ कुड यू सैक्रिफाइस योर होल नाइट बिकॉज ऑफ दैट प्राची? एक मिनट, तुम साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि तुम्हें प्राची से प्यार हो गया? प्राची, प्राची, मुझे नहीं बात करनी आपसे. अच्छा ठीक है, नहीं बात करनी मत कर. पहले देख तो ले मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ. खीर? आपको पता है ना मुझे कैसे मनाना है, इसलिए खीर लेके आई. पता चली जाता है आपको, पता नहीं कैसे. बिल्कुल ठीक कहा तूने, एक माँ ही है जो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है. मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ तुमको? I love you यार, कैसे बताऊँ अब? और तुम्हें क्या, मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि I love you रिया. मैं तो खुले में खड़ा होकर सबके सामने बोलना चाहता हूँ यार. तुमने ही मना किया, तुम्हारी ही प्रॉब्लम है कि नहीं रणबीर, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे इस बारे में. और ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसको मुझ पे ब्लेम मत करो. मुझ पे ब्लेम डालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से. तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है, इतना सा, कि प्राची कितनी बड़ी प्रॉब्लम में थी, और अगर मैंने उसे बचा लिया तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है?
और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है, किसने स्टार्ट किया है सब? अपने लिए कर रहा हूं मैं ये? यार तुमने ही मुझे कहा था, तुम मुझे कब से बोलती आ रही हो कि उससे पटाओ, उससे बात करो, उससे प्यार का नाटक करो, उससे अपने प्यार में पड़ाओ, और तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं कर रहा हूं ये सब मैं, तुम्हारे लिए, उसका दिल तोड़ो ताकि मैं तुम्हारे साथ प्यार कर सकूं और सबको जाके बता सकूं कि तुम और मैं साथ में। पर नहीं, तुम्हें तो उससे ही प्रॉब्लम हो गई, मैं तंग आ गया हूं यार, आई एम डन यार। तुम मुझे आज और अभी यहां पे क्लियर कर दो कि तुम्हें प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अभी रुक जाऊं, मैं नहीं रह सकता, आई एम सॉरी। टेनिस बॉल की तरह यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, आई एम नॉट दिस यार, मैं तुम्हारे प्लान में नहीं रह सकता, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं तोड़ना प्राची का दिल, मुझे कुछ नहीं करना।